सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, मेरे हर एक वीडियो में दुकानदार का विजिटिंग कार्ड, मोबाइल नंबर और एड्रेस होता है, वो वीडियो में कहीं पर भी हो सकता है, तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है। आपको दुकानदार शॉप ऑनर का मोबाइल नंबर मिलेगा मिलेगा और मिलेगा, वीडियो के अंदर ही मिलेगा, तो वीडियो ध्यान से देखना है। अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड के पुराना सामान, यानी कि बहुत सारी ऐसी नायाब चीज़ों का खजाना। ये शॉप छोटी है लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें इतनी कीमती है जो पैसे देके भी हम खरीद नहीं सकते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ और आप खरीद भी सकोगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और अगर ये चीज़ें आपको पसंद आती है तो ख़रीदने में देर नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ें लिमिटेड स्टॉक में मिलती है, बड़ी आसानी से नहीं मिलती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड के स्क्रैप के पुराने सामान की एक शॉप पर लेके जाने वाला हूँ। ये शॉप जावेद भाई की है जो भावनगर जिला में वीआईपी मार्केट में आई हुई है। यहाँ का एड्रेस है वीआईपी मार्केट, नियर रेलवे क्रॉसिंग, मोती तालाब रोड, कुंभारवाड़ा, जिला भावनगर, गुजरात। तो यहाँ पर आपको जाना है तो ये एड्रेस लगता है। और ये शॉप छोटी है लेकिन बहुत ही नायाब चीज़ें हैं, इनके पास ऐसी चीज़ें हैं जो हमने आज से पहले किसी वीडियो में नहीं देखी है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ऐसी चीज़ों को देखना आप मिस करोगे जो आज से पहले कभी नहीं देखी। मैं आपको कुछ इंट्रो भी दे देता हूँ। एक जिस पर पूरा जहाज चलता है, टेलीस्कोप। हाँ दोस्तों, टेलीस्कोप इम्पोर्टेड रशिया का टेलीस्कोप। अगर आपको बाय करना है तो वो भी कर सकते हो, और वो टेलीस्कोप जो आपको दिन में सूर्य और रात में चांद दिखा सकता है, यानी कि आप अंतरिक्ष का नज़ारा ले सकते हो यहाँ से, उस टेलीस्कोप से, ऐसा टेलीस्कोप दिखाने वाला हूँ। और दूसरी, यहाँ पर मिलती है जहाज की बैटरी, उस पर भी पूरी डिटेल्स से, यानी कि जहाज की बैटरी पर बहुत इंक्वायरी आई थी और ये एक नॉलेज वाली बात है जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं, वो तो उसका नाम सुन के बहुत ही वो हो जाते हैं, क्या मेरे पास वर्ल्ड नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत कमेंट आई थी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जहाज की पुरानी बैटरी वर्किंग कंडीशन में दिखाने वाला हूँ, वो भी एक नहीं, एक से बहुत ज़्यादा। तो आपको वो भी नॉलेज मिल जाएगा, वो जहाज की बैटरी पर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ चला सकते हो, तो उसकी पूरी डिटेल से वीडियो है, तो वीडियो पूरा देखना। ये दो चीज़ें तो बहुत खास है, एक टेलीस्कोप और दूसरी है जहाज की बैटरी। हेलो दोस्तों, आज जो वीडियो देख रहे हैं, ये शॉप छोटी है लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत नायाब और कीमती, इम्पोर्टेड और जो नहीं देखी है वो मिलने वाली है। और ये जावेद भाई है, ये इस शॉप के ऑनर है। ये आप देख सकते हो जो शॉप का वीडियो हम देखने वाले हैं, ये इनके ऑनर है। आज हम इनसे दो बातें करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें दिखाने वाले हैं जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखी होगी, ना जानी ना समझी होगी ऐसी चीज़ें। हेलो, मेरा नाम है जावेद और मेरी दुकान यहाँ अलंग हाउस मोती तालाब रोड भावनगर में, और मैं अलंग का स्क्रैप का सब सामान और ये सब स्टोर का सामान बेचता हूँ। मेरे पास ये है वैक्यूम पंप जो ऐसी प्रियोन गैस के सप्लाई में काम आता है। और ये कहाँ का है? अमेरिकन, मेड इन यूएसए, यूएसए अमेरिकन चीज़ है। और हमारे पास ये टेलीस्कोप आता है, दूरबीन, और उसके बाद ये सब हाइड्रोलिक सामान, मैग्नेटिक ड्रिल, और ये सब सामान, जांच का पूरा सामान सब देखते हैं हमारी शॉप से। हमारी कंपनी का प्रेस है 15 टन कैपेसिटी हाइड्रोलिक। ये क्या चीज़ है? हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस, काम क्या करता है? ये सब बैंड करने का काम करता है। बैंड पाइप बैंड कर सकते हो, बुशिंग निकाल सकते हो, एंगल चैनल बैंड कर सकते हो, यानी कि बीच में वहाँ कोई चीज रख के ऊपर से हम काम करेंगे तो ये एक पुलर जैसा काम करता है, हाइड्रोलिक है। वह हाइड्रोलिक जैक 70 से 80 टन का है,
और ये उसकी टंकी है जिससे ये 70 से 80 टन तक ऊपर आ जाएगा हाइड्रोलिक है। इससे बाजू वाला थोड़ा छोटा है, ये इससे भी छोटा है और हर किसी में ऐसी एक डंकी लगती है। ये मैग्नेटिक ड्रिल है, इसमें मिनिमम 15 mm और मैक्सिमम 30 mm तक का पाना लग जाता है और मैग्नेटिक ड्रिल है ये। 15 से 30 mm तक ये ड्रिल करता है। ये बड़ी साइज का UPS है या एक इन्वर्टर ही समझ लो, तो ये इन्वर्टर की तरह ही काम करता है और इसका बैकअप बहुत होता है। इस पर आप अपने ज़रूरत के अनुसार बैटरी इंस्टॉल कर सकते हो और मैं आपको जहाज की बैटरी दिखाने वाला हूँ। तो जो जहाज की बैटरी होती है दोस्तों, वो हर एक सेल अलग अलग होता है। हमारी जो नॉर्मल बैटरी होती है उसमें क्या होता है, 6 सेल होते हैं और 6 के 6 एक साथ लगे हुए होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जब अगर एक सेल ख़राब हो जाए तो पूरी बैटरी बदलनी पड़ती है, लेकिन जहाज की बैटरी में ऐसा नहीं है। जहाज की बैटरी का सेल 1.25 वोल्ट, 1.5 वोल्ट और 2 वोल्ट अलग अलग वोल्ट में अवेलेबल होता है। डिपेंडिंग यूज़ आपको कितने वोल्ट का यूज़ करना है, तो आपको 1.25, 1.5 और 2 वोल्ट का सेल भी मिल जाएगा। के अनुसार ये 40 mAh से 400 mAh तक का बैटरी बैकअप होता है इसका, और डिपेंडिंग यूज़ आप कौन सा यूज़ कैसे करते हो। अगर 2 ट्यूबलाइट और फैन चलाते हो तो 7 डे तक भी ये बैकअप दे सकता है। तो ये जो जहाज की बैटरी होती है वो सेल 1.25 से लेके 2 वोल्ट यानी कि 1.25 वोल्ट से 2 वोल्ट के अलग अलग होते हैं, यानी कि इसको आप पैनल में लगा के अपने ज़रूरत के हिसाब से 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 40 वोल्ट, आपको जितने वोल्ट करने हैं उतने वोल्ट आप बढ़ा या कम कर सकते हो। और दूसरा, इसमें से कभी सेल ख़राब होता है तो वो एक ही सेल यानी कि 1.25 वोल्ट का हो, 1.5 वोल्ट का हो या 2 वोल्ट का, जो आपने इस्तेमाल किया है वो एक ही सेल आपको बदलना होता है। तो ये बेनिफिट है इस बैटरी का। तो यहाँ पर फॉरेन के सभी देशों की अलग अलग कंपनियों की अच्छी ब्रांडेड बैटरियाँ आपको मिल जाएगी। पूरे वर्ल्ड के सभी देशों की, जो जो देश चिप बनाते हैं वो सभी देशों की बैटरियाँ अवेलेबल होती है। ये जावेद भाई का मोबाइल नंबर है, लेकिन इन्हें कॉल सुबह के 10 बजे से शाम के 7 बजे तक ही करना है आपको सिर्फ। तो हमारे पास सिर्फ इतने ही पीस है और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ये बड़ी आसानी से नहीं मिलते। आज से पहले आपने शायद देखे भी नहीं होंगे, ये सब इम्पोर्टेड है, मेड इन रशिया है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो फटाफट से वीडियो में दिखाए गए नंबर पर जावेद भाई को कॉल करो और व्हाट्सएप पर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जो भी ख़रीदना चाहते हो उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। ओनली 3 पीस है और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये मेड इन रशिया का है, टेलीस्कोप है, इसमें आप चांद और सूरज को दिन और रात में देख सकते हो और यहाँ से उसका सेटिंग आता है। चांद और सूरज को देखने का ये सेटिंग है और यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो इसका, मेड इन रशिया है ये। हेलो व्यूअर्स, चांद तारे सूरज को देखना है या किसी हिल पर से नीचे देखना है तो इसके लिए ये शिप में लगाया जाता है। ये टेलीस्कोप जैसा काम करता है, टेलीस्कोप ही है। तो ये आप देख सकते हो और इसकी डिटेल हमें जावेद भाई दिखाएंगे। तो जावेद भाई, ये कैसे काम करता है? इसके बगैर पानी में सिर्फ चल ही नहीं सकता है, ये बहुत काम की चीज़ है। ये दूर किनारा कितना है वो देखने के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा ये समुंदर में कितने पानी में तैर रहा है, इसके नीचे कितना पानी है वो गहराई देखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये दो काम करता है, ये दूर भी दिखाता है, दूसरा हम कितनी ऊंचाई पर है और हमारे नीचे क्या चीज़ है वो देखना है, तो ये सीधा दिखा देता है। यानी ये दो तरीके से काम करता है। दूसरा, इसको देखने का तरीका है, अगर आपको सूरज को देखना है तो इसका तरीका देख के देखना, वरना आपकी आंखें जल सकती है। तो गलत तरीके से मत देखना, सूरज को देखने के लिए इसका तरीका अलग से है।
ये चीज़ देखो रशिया की है, इसमें आप सूरज को ही रोशनी डाल के देख सकते हो और यहाँ पे सीधे चांद की रोशनी डाल के देख सकते हो। फिर ये जो कांच है, दूर की रेंज है इसको देखने के लिए, यहाँ से इसका सेटिंग है और ये लंबी रेंज के लिए दूर का सेटिंग यहाँ पे है। और सीधा आप ऊंचाई से देखना चाहो तो इसका सेटिंग यहाँ से है, ऊंचाई से सीधा नीचे यहाँ से देख सकते हो। और इसमें कलर भी आता है, तीन कलर है इसमें, तीन blue, कलर है वाइट एंड येल्लो। और ऊंचाई से देखने पर एक ग्लास बंद करना होता है ना, ये ग्लास बंद करेंगे तो फिर जैसे हम पकड़ेंगे तो ये यहाँ से सीधा सीधा नीचे देगा, हम यहाँ से देखेंगे और हमें दिखाई यहाँ से देता है इसका सेटिंग यहाँ से। और जो कलर है वो हम कहाँ से देख सकते हैं, मेरे कैमरे में देखना है तो मुझे यहाँ देखना पड़ेगा ना, यहाँ से आप कलर देख सकते। करो तो कलर चेंज। करो चेंज करो। अब करो चेंज।